अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम रेडिएशन के बारे में देखेंगे, रेडिएशन डेंसिटी क्या होती है और रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती है। वन बाय वन दोनों देखते हैं, फिर उसके बाद हम बीम एरिया और स्ट्रे फैक्टर भी देखेंगे, टेंथ तक हम यहाँ पे पहुंचेंगे। स्टार्ट करते हैं रेडिएशन डेंसिटी के साथ। ठीक है, रेडिएशन डेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर पर यूनिट एरिया होती है, हालांकि ये जो है ना रेडिएशन इंटेंसिटी जब हम आगे चक्र के देखेंगे तो ये पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल होती है। तो ये पावर पर यूनिट एरिया होती है, तो पावर की यूनिट वाट होती है और ये मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर की यूनिट होती है। अगर डब्ल्यू वेक्टर के फॉर्म में निकालें तो ई क्रॉस एच आता है। ठीक है, ई क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एच मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइ डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, थीटा डायरेक्शन। तो एक के लिए हम थीटा डायरेक्शन लेते हैं, दूसरे के लिए हम फाइ डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट रेडिएशन जो होंगी वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, आर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ई इंटू एच के साथ अगर हम आर डायरेक्शन के अंदर एक यूनिट वेक्टर लगा लें तो हमें से वैल्यू निकल जाती है। ए आर क्या है, एक यूनिट वेक्टर लगा दिया आर डायरेक्शन के साथ। इसके अगर हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसका सिर्फ रियल पार्ट लेते हैं। ठीक है, रियल पार्ट लेते हैं, ये ई की मैक्सिमम वैल्यू है। इसको आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करना पड़ता है। एच की वैल्यू को आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो 1/2 स्क्वायर रूट दोनों स्क्वायर हो जाएंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो 1/2 रियल ऑफ ई इंटू एच का कॉन्जुगेट ही हमारी एवरेज रेडिएशन डेंसिटी हो। ठीक है, अब ई और एच का रिलेशनशिप कहीं से चेक करते हैं। हमारे पास ईटा होता है, इंटर्नसिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू ई बाय एच होता है। तो एक दफा ई की वैल्यू पुट करके एच की फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर एच की वैल्यू पुट करके ई की फॉर्म में निकाल लेंगे। यहां से ई इज इक्वल टू, जगह एच उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ईटा इंटू एच पुट कर दिया। ई की जगह ईटा इंटू एच पुट कर दिया, ईटा कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, एच इंटू एच कॉन्जुगेट एच के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारी डब्ल्यू एवरेज बनेगी ईटा इंटू एच मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हमने ई की फॉर्म में निकालना हो तो एच की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एच की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, ई बाय ईटा पुट कर दी। ठीक है, तो ई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ईटा। अगर हमने टोटल पावर निकालनी हो तो हम इसको क्या इंटीग्रेट कर देते हैं एंटायर सरफेस के ऊपर। रेडिएशन इंटेंसिटी देखते हैं। देखिए, रेडिएशन इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। पावर वाट में होती है और सॉलिड एंगल स्ट्रेडियंस में होता है, तो इसकी यूनिट वाट पर स्ट्रेडियंस है। ठीक है, इसी तरह हम इसके निकालना चाहें यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डब्ल्यू ऑफ रेडिएशन, इनकी रेडिएशन हमारी जो डेंसिटी होती है। अब रेडिएटेड पावर निकालना चाहे तो हम यू को क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी ओमेगा क्या होता है, डी साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहे तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक ले लेंगे, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई तक ले लेंगे, क्योंकि आइसोट्रोपिक एंटीना एक फुल सॉलिड एंगल पूरे सर्कल 360 डिग्री देता है, तो आइडियल केस में यही मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। U कॉन्स्टेंट अब बाहर आ गया। ठीक है, फाई और कुछ है नहीं, तो डी फाई के लिए क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई इसकी लिमिट है, 2 पाई से 0 माइनस किया तो 2 पाई एज इट इज आ गया। थीटा 0 से पाई है, साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ जाएगी, तो माइनस कॉस के अंदर जब नेगेटिव बाहर निकाल लेंगे तो साइन कॉस पाई माइनस वन होता है, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस वन होता है, तो -1 -1 -2 हो जाएंगे, बाय वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर +2 बन जाएगा। इसको यहां मैंने इंटीग्रेशन में आपको ज्यादा नहीं घुमाने की कोशिश की। तो ये 4 पाई यू बन गया। ठीक है, 4 पाई यू हमारा क्या होता है, कंप्लीट स्फीयर का एरिया होता है। 4 पाई हमारा कंप्लीट स्फीयर का एरिया, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका एंगल होता है। ठीक है, 4 पाई इसका जो कंप्लीट स्फीयर का, हम पिछले हाफ पावर बीम विड्थ वाले लेक्चर में हम देख के आए हैं इसको ना। बीम एफिशिएंसी, अगर ओमेगा जो है वो हमारा मेजर लूप का हो, डिवाइडेड बाय मेजर और माइनर दोनों का ओमेगा हम ऐड करके डिवाइड कर दें तो हमें बीम एफिशिएंसी मिलती है।
स्ट्रे फैक्टर के लिए हमें माइनर लूप को मेगा से दोनों का सम डिवाइड कर दें तो हमें स्ट्रे फैक्टर मिल जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को जमा करें, दोनों को एड अप करने से हमें वन मिलता है, क्योंकि ये मेजर है ये माइनर है, तो नॉमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सॉरी सेम है, तो नॉमिनेटर सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे, तो सेम एक जैसे हो जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट दोनों का सम क्या हो गया, वन होगा। तो मजीद डाटा आप कंटिन्यूएंट वेव प्रोपगेशन की लिस्ट में देख सकते हैं। आप करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।